तो इस्लाम को छोड़कर हम दुनियादारी नहीं कर सकते। दुनियादारी अगर करना है तो इस्लाम के तरीके से करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि इंशाल्लाह हम लोग है ना सबसे पहले बच्चों को क्लास शुरू करेंगे दीन का। तो इसके वास्ते हम लोग है ना मुकर्रर करेंगे मशवरा करके, एक क्लास हफ्ते में रहेगा शुरुआत में या दो दिन रहेगा, किस तरह से बच्चों की और पेरेंट्स की सहूलत है उस तरह से हम लोग शुरू करेंगे। बाकी का जो भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं जहां भी, अगर उनको यहाँ पे पढ़ना है तो हम लोग है ना उनको है ना पूरी तरह से कंप्यूटर भी सिखाएंगे, उनको दीनी तालीम भी सिखाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे स्कूल भी रहेगा और मदरसा भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो दीनी तालीम भी रहेगी यहाँ पे और दुनियाई तालीम भी रहेगी। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी माँ बाप यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। आपने देखा है बिल्डिंग पूरी तरह से, आप नीचे भी देख लीजिए, सेकेंड फ्लोर में रहने के लिए है, पूरे रूम्स बेड्स वगैरह है विद अटैच बाथरूम्स है, और फर्स्ट फ्लोर में क्लासरूम्स है। तो यहाँ पे है ना ये जो फ्लोर है अभी आप जो बैठे हैं ये मदरसा बनेगा, इसके ऊपर इसी तरह से और एक ऊपर फिनिशिंग हो रहा है जो कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा। तो इसको हम मदरसा बनाएंगे जिसमें है ना टॉयलेट्स बाथरूम सब कुछ सहूलत है। यहाँ पे हर फ्लोर में हम लोग है ना टॉयलेट्स बाथरूम बनाए हैं सब सहूलत। आज पहला प्रोग्राम हुआ है ना बिना बच्चों और गूंगे बेरे बच्चों का, तो ये 4 साल की हमारी रिसर्च और कोशिश से आज है ना ये तैयार हुआ है मदरसा और स्कूल केजी हल्ली में। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे है ना बहुत सारे लोग हैं, हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो ट्रस्ट के जो भी जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मिलके है ना मेहनत किए। तो अल्लाह ताला है ना आज इसका मेहनत का एक छोटा सा एक नजराना बताया है कि इंशाल्लाह आगे ये बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ऑल इंडिया प्रोग्राम करेंगे, स्टेट लेवल प्रोग्राम करेंगे, और कोशिश यही है कि ऐसे बच्चों को हम लोग है ना ये बेसहारा नहीं छोड़ना चाहते, ऐसे बच्चों को हम लोग सहारा दे के उनको तालीम दे के उनको भी है ना एक इज्जत की ज़िंदगी खुददारी की ज़िंदगी गुजारने के वास्ते हम लोग है ना उनको तालीम देंगे, उनकी देखभाल करेंगे। इंशाल्लाह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी दुनिया में अब आई हुई है उसको लेके आएंगे, एक रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं हम लोग ये बच्चों के वास्ते, जो भी नए नए औजार हैं इनके लिए, नए नए टेक्निक्स हैं और नई तालीम के जो भी रास्ते हैं इंशाल्लाह हम लोग है ना दुनिया से खोज कर लाकर इनको है ना अच्छी तालीम देकर अच्छा हुनर सिखाकर कमाने के लायक हम लोग है ना बनाने का एक मकसद है हमारा। तो इंशाल्लाह ये जो इदारे हैं हम लोग ये सिर्फ बेंगलोर में महदूद नहीं करना चाहते, हम लोग इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है ना हम लोग है ना इसके शाख खोलना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम लोगों को आसानी करे और कामों में बरकत दे हमारे, ताकि हम लोग है ना आगे बढ़कर खिदमत करें। जज़ाकअल्लाह। ये प्रोग्राम में कितने बच्चे शिरकत किए आज? हमारे आज 25 बच्चे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 25 बच्चे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या अभी जा नहीं रहे हैं स्कूलों में, ऐसे बच्चों को हम लोग है ना इन्वाइट किए हैं, ताकि है ना वो बच्चे है ना दुनियाई तालीम भी हासिल करें और दीनी तालीम भी हासिल करें। दोनों हम का है ना हम सहूलत है ना हमारे ये जगह पे है, यहाँ पे स्कूल भी है और मदरसा भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो दोनों तालीम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। रायचूर का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? अल्हम्दुलिल्लाह रायचूर में है ना हॉस्टल शुरू हो चुका है, 30 बच्चों का है हॉस्टल हुआ है। आज ही हम लोग है ना यहाँ पे है ना उनको बंकर बेड्स बना के हम लोग है ना रवाना किए हैं, इंशाल्लाह उसका तफसीली है ना 2-4 रोज़ में आपको है ना उसकी तफसील। सिर्फ 2 बातें, पहली बात
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ نے یہ خوبی حضرت عیسیٰ کو دی تھی کہ وہ بیماروں کا علاج کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑ کی بیماری کا علاج، نابینا، آج جس کے نام سے یہ ادارہ شروع ہوا ہے، اگر وہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اسے روشنی آ جاتی۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا۔ آج ساری دنیا میں وہ وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ کرتے تھے، وہ اپنے دین کی خدمت، مخلوق کی خدمت کر کے ساری دنیا میں انہوں نے اپنے دین کو پھیلایا ہے۔ ہاسپٹلز کے ذریعے سے یہی نابینا بچے، ڈف اینڈ ڈم بچے، مگر افسوس کی بات ہے مسلمان اپنے پیغمبر کو صرف نام کے لیے پہچانے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا مسلمانوں نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ نبی کے بارے میں حضرت خدیجہ کہتے ہیں، نبی بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے تھے، وہ تقسیب المعدوم، کمزوروں کی مدد کرتے تھے، وہ تعین علی نوائب الحق، یہ سارے جو مخلوق کے کام ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے۔ یہ مسلمان شاید اپنے نبی کو پہچانے بھی نہیں اور اس طریقے سے کام بھی کیے نہیں۔ آج پورے اس شہر بنگلور کے اندر سینکڑوں علماء اکرام ہیں، سینکڑوں ادارے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے جب مسجد بنانے کے لیے لوگوں سے کہا جاتا ہے کروڑوں کا چندہ آتا ہے، جب کسی اور چیز کے لیے کروڑوں کا چندہ آتا ہے، یہ نابینا بچوں کے لیے، ڈف اینڈ ڈم بچوں کے لیے، ان بچوں کی خدمت کے لیے کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اسے سہارا دینے کے لیے بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صرف باتوں کی حد تک نہ رہیں، کام کر کے دکھائیں اور صحیح سچی محبت کا ثبوت دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ ان سے اور دین کا کام لیتا ہے۔